हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है नीट। नीट को लेके मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ कुछ शेयर करूं। अपनी पर्सनल लाइफ की कई चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक नहीं कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी की जब एक बहुत बड़ी विश कम्प्लीट होने जा रही थी 2017 में, जब वो प्राप्त हो रही थी मुझे, तो उसी टाइम पीरियड में मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी कि बस हो गया, यही करना था, बस अब आगे क्या करोगी। और ये आवाज़ ऐसा लगता था जैसे रोज़ आ रही है। और उसके बाद मेरा अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें लगभग 3 साल तक काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो, मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब किसी एक नीड का जो हम मतलब किसी एक विश या नीड का जिसको कि मैंने इतने लंबे टाइम से अपने मन में रखा था, उसके पूरे हो जाने पर अचानक से ऐसी आवाज़ें आने लग जाना कि अब आगे, अब और। सो, मुझे लगा कि ये यात्रा कहाँ जाके रुकती होगी। सो, मुझे मास्लो की एक ट्रायंगल थ्योरी मिली हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत पुरानी है ये थ्योरी, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया। ट्रायंगल थ्योरी है ये, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की नीड्स के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, पर बहुत सारे लोगों का मतभेद भी है। मुझे लगा कि नीड्स को लेकर आज ये वीडियो में शेयर करती हूँ, मास्लो की ये थ्योरी आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्यूचर में मेरा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी और वीडियोज़ में, बट आज मास्लो की ये थ्योरी जो मैंने लास्ट ईयर देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी तो मुझे लगा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे बेसिक लेवल पर उन्होंने रखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स को, शारीरिक नीड्स को, जहाँ पे हंगर, थर्स, रेस्ट की नीड्स रहती हैं। इंसान इसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, फुलफिल्ड होने की कोशिश करता है, अच्छा खाना, रहना, पीना मिल जाए, आराम मिल जाए, विश्राम मिल जाए, इसके लिए एफर्ट डालता है। अगर ये नीड्स उसकी फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए, तो इसके पूरा होते ही एकदम से उसके अंदर से नीड्स उठने लगती हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की, जहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है और उस नीड की तरफ चलने लगता है, जिसमें वो प्रॉपर्टी और कई और चीज़ें अरेंज करता है अपने लिए। अब अगर वो नीड भी उसकी फुलफिल होने लग जाए तो थर्ड पर जो नीड उसके अंदर उठती है, वो उठती है सोशल नीड्स, जिसमें वो लव और बिलोंगिंग के बारे में सोचता है। वो सोशल, समाज के बारे में, समाज के साथ जुड़ना चाहता है, ग्रुप्स में रहना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, प्यार करना चाहता है, प्यार चाहता है, ये सब चीज़ें वो चाहता है। ये वाली नीड्स उसके अंदर ऊपर उठने लगती है। अब अगर ये नीड भी उसकी फुलफिल्ड हो जाए, ये तीनों नीड्स उसकी बेसिक जो नीचे की तीनों नीड्स हैं ये पूरी हो जाए, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाए, खाना पीना, रहना, रेस्ट सब मिल जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाए, प्यार और समाज उसे मिल जाए, तो अब नंबर 4 पे वो एस्टीम नीड्स की तरफ चलने लगता है। अब उसको चाहिए होता है कि वो कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उसके समाज में और उसके घर में उसका रुतबा रहे, सम्मान रहे, लोग उसको जाने पहचाने, उसका नाम हो, ठीक है, तो वो इस नीड की तरफ चलने लगता है। अब अगर ये भी कंप्लीट हो जाए तो नंबर 5 पर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यहाँ पे वो अगर इस फेज तक अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी कम ही लोग पहुँचते हैं, पर जो लोग पहुँचते हैं वो खुद को झांकने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं, खुद की पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, खुद के जो रियल साइड है उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, और वो अपनी जो रियल चीज़ है, जो उनका सोल पर्पस है, उसको करने की कोशिश करते हैं। वो अगर म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं तो वो उसके ऊपर काम करते हैं, वो किसी और चीज़ में अच्छे हैं तो उसके ऊपर काम करते हैं, बट वो इस जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो फेस वाले लेवल तक जो लोग पहुंच जाते हैं, वो बेसिकली खुद को समझना शुरू करते हैं। इस लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं वो फियरलेस होने लगते हैं, उनके अंदर लालच नहीं रहता, उनके अंदर मोह माया नहीं रहती, और वो अपनी रियल साइड के ऊपर काम करते हैं। जितने भी बेस्ट लोग, मुझे लगता है आप महान लोग जिनको आप जानते हो, जिनका नाम आपने सुना हो, मुझे लगता है कि वो इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के फेस तक पहुँचे। बट ज़्यादातर मास्लो थ्योरी के अनुसार ज़्यादातर लोग जो है वो नीचे के 4 लेवल में ही घूमते रहते हैं। अगर उसके पास अच्छा खाना है तो अब वो और अच्छी जगह खाना खाना चाहेगा, अच्छी सिक्योरिटी सेफ्टी है, अब वो और जगह अच्छा और प्रॉपर्टी लेना चाहेगा, और समाज में रहना चाहेगा, और रुतबा चाहेगा, और वो इसी लूप में गोल 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 घूमते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी बहुत कम लोग जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के फेज तक पहुँचते हैं, बट जो पहुँचते हैं वो अपने सोल पर्पज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं, खुद के ऊपर काम कर पाते हैं, खुद की जो गलत या सही साइड है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो किसी ऐसे कार्य से जुड़ते हैं जो कि उनकी कहीं ना कहीं सोल के पर्पस को पूरा कराता हो, जो उनको पीस देता हो, और
दैट्स इट. बट अभी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन के फेज तक. तो ये जो थ्योरी है ये पुरानी है, बट बहुत सारे लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया, नीड की इस थ्योरी को, हायरार्की ऑफ नीड की इस थ्योरी को. मुझे भी अच्छी लगी, बट फिर भी नीड्स को लेके और भी मेरे बहुत विचार हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी. ये मास्लो के विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रायंगल थ्योरी के हिसाब से. और अगर आप में से किसी को अच्छी लगी हो तो आप जाके यूट्यूब पे और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में. ये था मेरा आज का वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.